माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड एज अ फो. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो देयर आर टू ब्रॉड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच we divide the different living organisms on this earth, and that is macroorganism and microorganism. Macro and micro. हम पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको कितने में डिवाइड करते हैं? दो में डिवाइड करते हैं. और वो दो कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड, वॉट इज माइक्रो, वॉट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, बहुत ही सूक्ष्म. माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग? वो चीज देखते हैं जो चीज हम लोग को आसानी से नेक्ड आई से ना दिखा जाए. नेक्ड मतलब खुली हुई, खुली आंखों से आराम से हम देखना चाहें. भैया कोरोना वायरस जा रहा है, वो देखो देखो एयर में घूम रहा है. अरे अरे वाह, हाय डेंगू वायरस उड़ रहा है. कॉमन कोल्ड का वायरस, अरे इधर इधर. कभी ऐसा कहे हैं, ऐसा देखे हुए हैं? अरे कॉमन कोल्ड का वायरस आ रहा है, छुप जाओ छुप जाओ. नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जंतु जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम लोग इजिली अपनी खुली आंखों से ना देख सके. ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंतु, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा. क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी इजिली विद द हेल्प ऑफ अवर नेक्ड आईज. अंडरस्टैंड, दे कैन बी ओनली सीन इन द माइक्रोस्कोप. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एस्केरिस एसेट्रा. इन सबको, जैसे वायरस हो गया चाहे बैक्टीरिया हो गया, ये सब हम लोग इजिली नहीं देख पाते हैं. हम लोग को पता, फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि दही में, कर्ड में क्या पाया जाता है? LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है. ठीक है, बट हम उसको इजिली क्या देख पाते हैं? नहीं. बस उस प्रोसेस को हम जानते हैं कि हाँ, जब दही स्टार्टर को दूध में डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है. क्लियर? अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं. बहुत इजी है. मैक्रो मींस बिगर, लार्जर. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी इजिली विद द हेल्प ऑफ अवर नेक्ड आईज, और वी कैन सी इजिली, दे आर नोन एज मैक्रो ऑर्गेनिज्म. मैक्रो मींस लार्जर. एंड कैन यू सजेस्ट एन एग्जाम्पल? वेरी इजी. द बेस्ट एग्जाम्पल इज अस. वी आर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग इजिली मैक्रो ऑर्गेनिज्म में होंगे. क्यों मैक्रो? क्योंकि मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसे हम अपनी खुली आंखों से आसानी से देख लेते हैं. ठीक, तो हम क्या इंसान को आसानी से नहीं देख पाते? देख पाते हैं. पेड़ पौधे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मैक्रो ऑर्गेनिज्म है. टाइगर, स्नेक्स, ये सब एग्जांपल किसके हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म के. एकदम क्लियर हो गया. मैक्रो ऑर्गेनिज्म, लार्जर ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अवर आईज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेक्ड आईज. We need microscope for that. Clear? तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे. अब वो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भला भी करते हैं, बुरा भी करते हैं. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो ब्रॉड सेक्शन में बांटा गया है. एज ए फ्रेंड मतलब भला करने वाला, दोस्त क्या होते हैं यार? हेलो, हाय, मजे करने वाले, मौज मस्ती दे, खुशी दे. ठीक है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो सेक्शन में बांटा गया. एज अ फ्रेंड, मित्र. एज अ फो, फो मींस FOE, फो मींस होता है दुश्मन. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड, फो. क्लियर? फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र. तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हीं सब माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? फ्रेंड, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जनरली माइक्रोब्स का बैक्टीरिया वायरस का नाम आता है तो हम लोग सोचने लगते हैं भैया ये तो सबके लिए खतरनाक है. नहीं, ये हम लोग का सहायक है, हेल्पफुल है. ठीक है, एज ए फ्रेंड पहले समझते हैं. ठीक है, दोस्त के तौर पर हम एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में कौन? अब बैक्टीरिया, सॉरी ऐसे नहीं बताऊंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले एग्जांपल समझ लीजिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोआ होता है. क्लियर?
तो बैक्टीरिया क्या फ्रेंड की तरह हेल्प होता है? हाँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं अभी दिया था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? दही में, एंड इट इज यूजफुल फॉर डाइजेस्टिंग मिल्क प्रोटीन और इन द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग। कर्डलिंग कौन सा प्रोसेस होता है? कर्डलिंग में एक्चुअली होता क्या है, जब हम थोड़ा सा दही लेते हैं जिसको जोरन आम भाषा में कहते हैं, जोरन को हम लोग जब दही में डालते हैं तो दही में क्या होता है, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, अब वो क्या करता है, कर्ड लिए हम लोग, ठीक है, जिसको स्टार्टर या जोरन कहते हैं, ठीक, दूध में डाले, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, और उस प्रोटीन का नाम है कैसीन। क्या नाम है? CASIN, कैसीन। मिल्क प्रोटीन इज नोन एज कैसीन, द प्रोटीन विच इज फाउंड इन द मिल्क इज नोन एज कैसीन। ठीक है, तो जो कर्ड डाला जाता है, जोरन डाला जाता है दूध में, तो क्या होता है, जो दूध के बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरियो या माइक्रोब्स के पास ना बहुत अपने आप को कॉलोनाइज करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। कॉलोनाइज करने का मतलब अपने को बढ़ाने की बहुत तीव्रता होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे भी वही केस होता है। तो जो मिल्क में सॉरी कर्ड में जो रहता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करने लगता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कौन करने लगता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दही में प्रेजेंट था। अब ये डाइजेस्ट करता जाएगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और उसी केस में हम उसी उसी प्रोसेस को क्या कह देंगे, कर्डलिंग। क्योंकि जैसे जैसे मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होगा ना, वैसे वैसे कर्ड की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, रात में आप इतना सा दही डालेंगे, सुबह देखेंगे इतना सारा हो गया। कैसे? वो ऐसे क्योंकि पूरा दूध क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। दूध का जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कैसीन, वो डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे ये कैसे हेल्पफुल, क्यों हम फ्रेंड में रखें? आप तो सोचेंगे भैया दूध हो तो खराब कर दिया, खराब नहीं किया, हमारी प्रोटीन एक्सेप्टिंग पावर बढ़ा दिया। कैसे? एक्चुअली होता क्या है, हम लोग के बॉडी में, हम लोग के स्टोमक में एक रेनिन नाम का एंजाइम है, रेनिन। ठीक है, वो रेनिन एंजाइम का क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए आप 40 पार किए, 45, 50, इस स्टेज से रेनिन एंजाइम वो कम हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, या तो कम ही हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो अब तो हम लोग दूध पियेंगे तो दूध तो जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा, लेकिन क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन कैसीन पाया जाता है, उसको जो डाइजेस्ट करता है रेनिन एंजाइम, जो कि हमारे स्टोमक में पाया जाता है, वो तो खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया। अब क्या होगा, अब हम वो दूध पियेंगे तो उसका प्रोटीन यूजली, अगर डाइजेस्ट हो भी जाता है किसी बहाने से, तो 70% 80% नहीं ही होगा। क्या हो गया, वेस्ट हो गया दूध पिए, मिल्क तो हम लोग को लगा नहीं, जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब क्या होगा, एब्जॉर्ब भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइजेशन के बिना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डाइजेशन का काम क्या होता है, तोड़ के काट करके ऐसा छोटा मॉलिक्यूल बना देना जो कि इजिली एब्जॉर्बेबल हो, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट अगले दिन समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हम सोचेंगे उस पेशेंट को, या 40 या उससे उम्र ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को दही प्रोवाइड करें। दही का फायदा क्या मिला, विटामिन तो मिल ही रही है। ठीक, साथ में जो डाइजेशन पेट में नहीं हो सकता रेनिन एंजाइम की कमी की वजह से, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में अंदर जा रहा है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर चुका है, मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब बॉडी को तो डाइजेशन करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हम दही खाए और वो इंटेस्टाइन में जाके इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फायदा मिला, नुकसान नहीं हुआ, समझ में आया, कोई डाउट? इसीलिए जनरली सब हर उम्र वालों को दही खाना चाहिए। क्लियर? तो हमारे दोस्तों की तरह नहीं हेल्प कर रहा है कि भैया चलो भाई रन खत्म हो गया, हम है ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कह रहा है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे रहा है, आसान से खाइए पीजिए, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये रहा फ्रेंड का, फो की तरह भी समझेंगे ना, कोई तो दुश्मनी होगा, जैसे इंसानों में भी नहीं होता है कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे, बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया माइक्रोब है, उसमें भी कोई होगा बुरा, वो कौन बुरा है? फॉर एग्जाम्पल,
सोलमोनेला टाइफी। क्या चीज? सोलमोनेला टाइफी, नाम सुने हैं? सोलमोनेला टाइफी, इसके वर्ड में ही कुछ छुपा हुआ है। सोलमोनेला टाइफी, टाइफी, टाइफॉइड। सोलमोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया है जो कि फो की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों फो? क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जिसके, या ये वो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है, टाइफॉइड बीमारी होती है। ठीक है, टाइफॉइड एक डिजीज है एंड इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, दैट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू कीप इन माइंड। एंड दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया। मतलब टाइफॉइड एक बीमारी है, डिजीज है, वो किससे होती है, किस चीज से होती है? वो होती है बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सोलमोनेला टाइफी। सोलमोनेला टाइफी, टाइफी टाइफॉइड से याद रहेगा, सोलमोनेला याद कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे फो दुश्मन की तरह हेल्प कर रहा है ना, दुश्मन बन गया। तो इस तरह एक ही बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कई रूप हैं, उसमें कोई फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं और कोई फो की तरह। क्लियर? एक और फ्रेंड की तरह याद आ रहा है, हमारे पेट में क्या होता है कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। क्या नाम है? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। तो ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वही वो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्लियर? अब किसका लें? वायरस। वायरस की तो पहले बात आता है, तो दुश्मन, और वो दुश्मन ही कैसा, बहुत अच्छा निभाया 2 साल पहले, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना, कोविड, कोरोना क्या था? कोरोना एक वायरस था। तो सबसे पहले हम कुछ भी भूल जाएंगे वायरस का नाम, तो पहले, सबसे पहले कोरोना लिखेंगे। वायरस जनरली दुश्मनी की तरह हेल्प करता है, लेकिन हम लोगों ने उसको दुश्मन से दोस्त बनाया, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले फो का समझते हैं। फो, कोरोना इज अ डिजीज कॉज बाय वायरस। क्लियर? एक और बहुत चर्चित बीमारी है, बहुत फेमस मॉस्किटो वाली, कौन सी? डेंगू। जो डेंगू होती है, डेंगू वो किससे होता है? वो फ्लेवी वायरस होता है, एक वायरस होता है जो कि इसका नाम है, क्या नाम है वायरस का? नाम है फ्लेवी वायरस। उससे कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होती है। ठीक है, फीमेल एडीज से फैलती है, फीमेल एडीज, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है इसमें भी। ठीक है, फीमेल एडीज से कौन सी बीमारी फैलती है? डेंगू की, क्योंकि फीमेल एडीज मच्छर जो रहती है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लेवी वायरस नाम का वायरस बैठा रहता है, वो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, समझ में? मान लीजिए एक पर्सन को है, इन्फेक्टेड है, तो उसके ब्लड में फ्लेवी वायरस पूरा घूमेगा, मच्छर आया, खून चूसी फीमेल लेडीज, अब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटी तो उसके जरिए उसके खून में चला गया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। समझ में आया? तो डेंगू इज अ वायरल डिजीज। एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कौन सी बीमारी है? जो आम तौर पे सर्दी जुकाम खांसी नहीं हो जाती है नॉर्मली, तो किसी भी सीजन में उसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। कोल्ड क्यों? क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाता है, इसीलिए कोल्ड कहा है। कॉमन मतलब हर कोई भी सीजन में हो सकता है, उसको फिक्स सीजन में, हाँ कॉमन कोल्ड मतलब विंटर में होने वाला है, नहीं समर में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब इसका, ये भी वायरस से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटोजोआ का। ठीक है, अच्छा हाँ, वायरस जो है वो फ्रेंड की तरह कैसे इस्तेमाल होता है? जनरली उसका इस्तेमाल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। ठीक है, वो भी ब्रॉड बेसिस पे नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, अब वायरस का एक एग्जाम्पल है बैक्टेरियोफेज। ठीक है, बैक्टेरियोफेज वो वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया पे इंपैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में आया? प्रोटोजोआ हो गया, हाँ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या होता है? प्रोटोजोआ भी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड फो की तरह काम करता है। ठीक है, यार रुकिए, एक और प्लांट का भी तो एग्जांपल ले लिया जाए। एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। ये क्या करता है? ये प्लांट को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में आया? प्रोटोजोआ जो होता है उससे एक बहुत फेमस बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? मलेरिया। क्या चीज? इंक खत्म हो गई क्या? हाँ, मलेरिया डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? मलेरिया। ठीक है, और ये भी मॉस्किटल डिजीज है। मॉस्किटो कौन सी? फीमेल एनोफिलेस, महिलाएं। ठीक है, यहां पे भी आ गए हैं।
प्रोटोजोआ एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम क्या है? मलेरिया। ठीक है, जैसे कुछ प्रोटोजोआ का नाम है जैसे प्लास्मोडियम विवैक्स, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, ये सब जो प्लास्मोडियम, ये इसी का नाम है, प्रोटोजोआ का नाम है प्लास्मोडियम विवैक्स, प्लास्मोडियम फैल्सीपोरम पैरम, ये सब क्या करते हैं? मलेरिया डिजीज कॉज करते हैं। और इसमें वेक्टर कौन होता है? वेक्टर उनको कहते हैं जो कि डिजीज क्या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कौन है यहाँ पे? प्रोटोजोआ है। ठीक, और उसको ले कौन जा रहा है? मच्छर। ठीक है, फीमेल एनोफिलस। तो फीमेल एनोफिलस क्या हो गई? वेक्टर की तरह काम की। समझ गए? कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लोग एक चीज और समझते हैं, पैथोजन। क्या चीज? पैथोजन। पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन किसको कहते हैं? पैथोजन वो होता है, वो जीवाणु, वो माइक्रोब जिससे बीमारी होती है। ठीक है, जिससे कोई भी बीमारी हो उसी को क्या कह देंगे? पैथोजन। ठीक, जैसे बैक्टीरिया पैथोजन हो गया, वायरस पैथोजन हो गया। क्लियर? वेक्टर समझ में आ गया, जो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्लियर? वेक्टर और पैथोजन में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, अलग से बना देंगे वीडियो। अब इन्हीं के बेसिस पे आता है एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है? ठीक है, एंटीबॉडीज आर दोज मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट द डिजीज, विच आर यूज टू ट्रीट द डिजीज, और इन द अदर वर्ड एंटीबॉडीज आर दोज मेडिसिन विच इज यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज वो मेडिसिन होता है, एंटीबॉडीज वो मेडिसिन होते हैं जिनसे हम किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, थाम देते हैं, तो उन्हीं को क्या कह देंगे? एंटी, एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज आर दोज केमिकल विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी एंड सर्कुलेट इन द ब्लड। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के द्वारा बनते हैं। ठीक है, और वो सब हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं। ठीक है, हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और जब भी कभी भी अंदर कोई जीवाणु जाता है ना, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जाता है, तो उस केस में ये एक्टिव हो जाते हैं। कौन एक्टिव हो जाता है? एंटीबॉडीज। ठीक, और एंटीबॉडीज तुरंत जाके इनगल्फ करके मार धाड़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें फीवर होते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां पे हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी, एंटीजन। क्या चीज? एंटीजन, एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन आर द फॉरेन सब्सटेंस विच आर इनगल्फ्ड इन अवर बॉडी और एनी बॉडी। ठीक है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो केमिकल होता है, वो माइक्रोब्स रहता है जो कि फॉरेन मतलब कि विदेश नहीं, फॉरेन मतलब बाहर से अंदर शरीर में स्थापित होता है या प्रवेश कर लेता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कॉमन कोल्ड का वायरस आया, हमारे मेरे नाक से होते हुए लंग्स पे चला गया, तो ये फॉरेन सब्सटेंस था, फॉरेन मतलब मेरे बॉडी का तो था नहीं। ठीक है, ये बाहर से आया, तो इसको हम क्या कह देंगे? एंटीजन। क्लियर? तो ये जब अंदर जाएगा तो हमारी एंटीबॉडीज जो है ना, WBCs हो या एंटीबॉडीज जो है, वो एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन करने लगेगी, जिसके वजह से हो सकता है मुझे सर्दी जुकाम हो। सर्दी जुकाम क्या होता है? अच्छी बात होती है। वो क्यों अच्छी बात होती है? क्योंकि वो हमारे अंदर जो बीमारी है उसको खत्म करने में सहायता करती है। ठीक, कोई डाउट? एंटीजन क्लियर, एंटीबॉडीज क्लियर, हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर होती है, केमिकल होता है जो सर्कुलेट होती रहती है, और फॉरेन सब्सटेंस एंटीजेंस पर अटैक करती है। क्लियर, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आर दोज मेडिसिंस विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन विट्रो टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिंस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है एक्सटर्नली, क्यों? ताकि बीमारियों से लड़ सके। जैसे हम लोग को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना,
तो वो एंटीबायोटिक कभी भी देखिए उसमें लिखा होगा कैसे पहचानेंगे एंटीबायोटिक कौन सी है, तो जनरली ऐसे लिखा रहेगा पेंसिलिनियम IUM एमोक्सिलीन IN, इस तरह कुछ वर्ड होते हैं जितना मुझे ज्ञान है। ठीक है, तो उस वर्ड को आप मेडिसिन का रैपर देखिए, अच्छा पेंसिलिनियम IUM लिखा है या IN लिखा है, तो समझ जानेगा कि वो एंटीबायोटिक है। ठीक, ये बहुत ऊपर ऊपर की नॉलेज, बहुत ऊपर की नॉलेज है। तो एंटीबायोटिक क्या हो गया, एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में डिफरेंस क्या है। एंटीबॉडीज हम लोग के बॉडी के द्वारा इन्वेंट होती है, बनती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती है, बट एंटीबायोटिक बाहर से हम लोग इनटेक करते हैं, जब हम लोग को फीवर सर्दी जुकाम जब भी कुछ भी होता है तो उस समय हम लोग बाहर से इनटेक करते हैं। ठीक, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये बहुत पूछता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, पेंसिलिन। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था पहली बार। ठीक है, कोई डाउट एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में, हमको नहीं लगता है आप कोई मतलब डाउट होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हर एक चीज छोटी से छोटी बात। अब इसका अगर और डिटेल अगर चाहिए तो बताइएगा, और डिटेल में हम इसका इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कॉन्टेक्ट मी, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी हो। ठीक है, कोई डाउट देख लीजिए, जितना आज पढ़ाए हैं। आज के लिए धन्यवाद।